उदाहरण 16। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। बच्चों, हम उदाहरण 16 पे बात करने जा रहे हैं। उदाहरण 16 में हमें दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B समकोण है। और यदि कोण B समकोण है, इसका मतलब यह हुआ कि कोण B के सामने की भुजा AC विकर्ण है। तो ये हमें जानकारी दी हुई है यहाँ, और इसके आधार पर हमें यह सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज में AC जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है। यानी आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि AC बड़ा है AB से और AC बड़ा है BC से। तो हमने इसे लिख लिया है कि भुजा AC बड़ी भुजा है AB से, और फिर से एक बार AC बड़ी भुजा है BC से। यानी AC जो है वो शेष दोनों भुजाएं AB और BC से बड़ी है, यह हमें सिद्ध करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हम शुरू करें जो हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यानी कोण B 90° का हुआ। यदि कोण B समकोण है तो इसका मतलब हुआ कि बचे हुए दोनों कोणों का योग भी 90° होगा। हम लिख सकते हैं कोण A धन कोण C ये बराबर भी 90° होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण या 180° होता है। और यदि कोण B 90° का है तो कोण A और कोण C भी 90° का होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम देख रहे हैं कि कोण B 90° का है और कोण A धन C भी 90° का है, इनका योगफल। तो आप इन्हें अलग अलग लिखें तो कह सकते हैं कोण B बड़ा है कोण A से, और इसी तरह से आप कह सकते हैं कोण B बड़ा है कोण C के। फिर से आप एक बार देख लें, कोण B बड़ा है कोण A से और कोण B बड़ा है कोण C से। अब यदि कोण B बड़ा है कोण A से, तो आप यहाँ पर चित्र में देखिए, कोण B यदि कोण A से बड़ा है तो इसका मतलब है कोण B के सामने की भुजा AC कोण A के सामने की भुजा BC से बड़ी होगी। क्योंकि आपने पढ़ा है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है किसी त्रिभुज में। तो चूंकि कोण B बड़ा है तो आप कह सकते हैं AC बड़ा है इसके सामने की भुजा BC से। तो इसका परिणाम आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोण B के सामने की भुजा AC बड़ी होगी कोण A के सामने की भुजा BC से। और इस कथन के आधार पर फिर से आप कह सकते हैं कि कोण B के सामने की भुजा, यानी भुजा AC बड़ी होगी कोण C के सामने की भुजा, कोण C के सामने की भुजा AB से। तो आप इसे लिख सकते हैं AC बड़ी भुजा है AB से और AC बड़ी भुजा है BC से, यही हमें सिद्ध करना था। तो आपने देखा कितनी आसानी से इस चीज़ को आप कर सकते हैं। आप एक बार ध्यान से देखें आपने किया क्या। कोण B बराबर 90° दिया हुआ है, ये आपने लिख लिया, और इसके आधार पर आप कह पा रहे हैं कि कोण A और कोण C का योगफल भी 90° का होगा। और इन दोनों कथनों के आधार पर ये बात बहुत आसानी से कही जा सकती है कि कोण B इन दोनों कोणों से अलग अलग बड़ा होगा। तो कोण B बड़ा होगा कोण A से और कोण B बड़ा होगा कोण C से। अब इन जानकारियों के आधार पर हम एक बार त्रिभुज में देखें तो हम ये पाते हैं कि कोण B के सामने की भुजा AC है और कोण A के सामने की भुजा BC है। तो आपको चूंकि ये पता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा किसी त्रिभुज में बड़ी होती है, तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि कोण B के सामने की भुजा AC बड़ी है कोण A के सामने की भुजा BC से। तो ये कथन आपको मिलता है AC बड़ा है BC से। और ठीक इसी तरह से आप फिर एक बार कह सकते हैं कि AC बड़ा है AB से। तो ये दोनों कथन आपको मिलते हैं जो आपको सिद्ध करने थे। आइए कुछ सोचे एवं चर्चा करें। दिए हुए चित्र में AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। दर्शाइए कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से।